अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आज मेरा क्लास है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन स्किल्स का। तो इंट्रोडक्शन यही है जो स्क्रीन में आपको नजर आ रही है। मेरा नाम इंजीनियर संग्रेज खान है। बाय प्रोफेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई वर्क इन पाकिस्तान कस्टम्स इन एनजीओ तरक्की फाउंडेशन एंड इन फील्ड आई बिकम इंटर्नी इन गुडू थर्मल पावर प्लांट एंड पार्ट टाइम आई स्टिल टीच बिकॉज ये मेरा शौक समझ ले, जो भी है टीचिंग में करता रहता हूँ। तो अब इस क्लास का मकसद ये है, आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन रखते हैं। एक पोर्शन है इस क्लास में, वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन स्किल्स का, के न्यूमेरिकल स्किल्स क्या है, उसको सॉल्यूशंस क्या है, उसको आप किस तरह परफॉर्म करेंगे, उसके क्या मेथड्स हैं, उसमें क्या क्या आपने करना होगा। दूसरा पोर्शन इस क्लास का होगा लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से, जो अभी एमडीकेट में जो एंट्री टेस्ट है उसमें ऐड हो चुका है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज में मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है उसके हवाले से भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन स्किल्स। न्यूमेरिकल सोल्यूशन स्किल्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखते हैं। तो स्लाइड बाय स्लाइड हम इस चीज को देखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जैसे फर्स्ट दिन शायद आफिस साहब ने बताया होगा कि हमारे एकेडमी के 3 चैनल्स हैं, तो उसमें जो थर्ड चैनल बताया था वो यही स्लाइड पे लिखा है, इंजीनियर संग्रेज ऑफिशियल डॉक्टर अब सुल्ताना अकेडमी। तो इस पे ये 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें फिजिक्स के हवाले से लॉजिकल एनालिटिकल तो काफी हद तक चीजें इसमें ऐसे ऐसे अपलोड होते जाएंगे, ये आपके लिए काफी बेहतर होंगे, काफी डिटेल में आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा। तो ये आपके लिए एक फ्री चीज है जो आप सब कुछ इसमें क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का एम क्या है? एम ये है इस लेक्चर का कि अब आप एंट्री टेस्ट देते हो, एमडीकेट देते हो, तो इन टेस्ट में होता क्या है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स है ये सिर्फ एंट्री टेस्ट के तक आप इसको महदूद ना रखें, ना आप इसको वहां तक लिमिटेड रखें कि आप सिर्फ एंट्री टेस्ट में ये चीज देखेंगे। एंट्री टेस्ट हो, उसके बाद आप जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो आप कहीं अप्लाई करेंगे, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स, तो हर जगह में आपको ऐसे टेस्ट देखने को मिलेंगे जो सब्जेक्टिव टेस्ट हो, जिसमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। तो वो स्किल्स क्या है, वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो मैथमेटिकल टाइप हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, उन सब को देखते हुए जो के टेस्ट में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो जब टेस्ट में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है तो आप उस स्किल्स को कैसे करेंगे। अब जैसे कि एमडीकेट का टेस्ट आप देंगे, उसमें ये कुछ सालों से फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो जो एमसीक्यूज है वो न्यूमेरिकल टाइप्स के है, तो आप टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो उस टेस्ट में जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, सही है, आपने थ्योरी पढ़ी है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप डेटा लिखते हैं, कोई रफ वर्क में आप उसका फार्मूला पुट करते हैं, फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करते हैं, उसी वैल्यूज को देखकर फिर आपने सॉल्व करना है। अब वो फार्मूला में डिवाइड यूज होगा, मल्टीप्लाई यूज होगा, एडिशन यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, एंगल्स यूज होंगे, फिजिक्स में सब कुछ सही है, स्क्वायर रूट आएगा, कहीं पे पावर यूज होगा, तो इस तरह के काफी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस लेक्चर का एम यही है कि विदाउट कैलकुलेटर आप ये स्किल्स कैसे सीखेंगे। इस पॉइंट्स में जो लेक्चर के पॉइंट्स है, चूंकि ये एज इंट्रोडक्शन क्लास मैंने रखा है, इसमें एक पार्ट हम देख लेते हैं आज के लिए। अब मेन पॉइंट्स ऑफ लेक्चर हमारे पास ये है, अगर कोई भी इशू हो साउंड में या स्क्रीन में तो काइंडली आप फॉरन एडमिन को मैसेज कर दें, या इसी जूम में आप जो साइड में चैट ऑप्शन है तो फॉरन आप चैट में मुझे बता सकते हैं अगर किसी को साउंड का इशू हो या कोई और इशू हो। सो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट के लेक्चर में। स्टूडेंट्स इतने लेट आ रहे हैं तो उनसे सब कुछ मिस हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं तो जो स्टार्ट के पॉइंट्स है उनको मैं एंड में बता देता हूँ, फिलहाल जहां से है वहां से कंटिन्यू कर लें। न्यूमेरिकल स्किल्स में जो मेन पॉइंट्स है वो है हमारे पास स्टार्ट में डेसिमल नंबर्स एंड इट्स ऑपरेशंस। कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, आपने उसमें डेटा पुट किया, फार्मूला पुट किया, अब आपने सॉल्व करना है, आप है टेस्ट में, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, जो
फॉर्मूला आपने पुट किया है फिजिक्स के किसी भी टॉपिक का एमसीक्यूज में, अब उसमें फर्स्ट के लिए डेसिमल नंबर्स यूज हुए हैं, तो उस डेसिमल नंबर्स में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। तो डेसिमल नंबर्स में सबसे पहले स्टार्ट करने से आप ये स्लाइड देखिए जो आपके सामने शो हो रहा है, थिंक अबाउट दी। तो हम किचार जमा लेवन खल्क से इस्तेमाल करते हैं, इस अरे गन दा सभी जी के बारे में ऐसे मुंडे बता रही है कर और तो तीन अंत। काइंडली अपनी आवाज को म्यूट रखे, क्लास डिस्टर्ब हो रही है आपकी वजह से। अब ये ऐसे क्वेश्चंस है, थिंक अबाउट दीज कैलकुलेशंस। अब ये आप इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि ये आपको क्या समझ रहे हैं ये क्वेश्चन। ये इस तरह है जैसे कि आपने कोई भी फार्मूला पुट किया है फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद आपको ये स्टेप्स मिलेंगे, जैसे कि ये पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, या थर्ड स्टेप है, या फोर्थ स्टेप है। तो अब इस तरह के स्टेप्स आपको मिलेंगे फार्मूला पुट करने के बाद। अब आपके पास कैलकुलेटर है नहीं हाफ ए टेस्ट में, तो आप इस तरह के वैल्यूज को किस तरह सॉल्व करेंगे कि जो चार ऑप्शंस होंगे उसमें आपको करेक्ट आंसर मिले। तो ये स्किल्स है जो हम इस क्लास में करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्किल्स में, जो सबसे आज के लिए मैंने रखा है वो है डेसिमल नंबर्स एंड इट्स ऑपरेशंस। क्या अगर ऐसे स्किल्स हो जो डेसिमल नंबर्स में हो। डेसिमल नंबर्स कौन नंबर्स हैं? दम नंबर्स लाइक जैसे कि 78.09, 19.367, 0.216 या 9.3 या 72.0, हर वो नंबर जिसमें डेसिमल यूज हुआ हो, डेसिमल मींस पॉइंट यूज हुआ हो, उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। सो अब कोई नंबर है उसमें पॉइंट यूज हुआ है, जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ पॉइंट यूज हुआ हो। वो क्वेश्चंस अब जैसे कि 78 कोई नंबर है, 78 और 72 कोई नंबर है, 29, 23 कोई नंबर है, ये तो ऐसे सिंपल नंबर है जिसको आप आसानी से ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ऐसे नंबर्स जो पॉइंट्स में हो, जैसे कि ये आपके स्क्रीन में शो हो रहा है 78.09, 19.367, अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह सॉल्व करेंगे? आपने ये जहन में रख के करना है कि आप ये आपका कोई भी एमसीक्यूज है, कोई भी फार्मूला पुट करके जो आंसर मिला है वो आप कर रहे हो। तो डेसिमल नंबर्स में चार ऑपरेशन होंगे जिसमें आप ऐड करते हो, आप सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हो, आप मल्टीप्लाई किस तरह करते हो, और आप डिविजन किस तरह करते हो, तो ये देखते हैं। अब जैसे कि स्टार्ट लेते हैं, कोई भी आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है वो है आपके पास 78.09 प्लस 19.367। अब ये कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई एमसीक्यू, इसका लास्ट पॉइंट आपने आंसर लाना है, आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन डेसिमल नंबर्स का वो सेम है, एक पॉइंट इसमें चेंज है वो क्या है? पॉइंट ये चेंज है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपने इसको ये चीज देखना है, जैसे कि 78.09 ये आपने लिख लिया। अब ये सेकंड टर्म जब आपने लिखना हो तो आप इसको किस तरह लिखेंगे? अक्सर स्टूडेंट इसको किस तरह लिखते हैं, उसी तरतीब से, या जैसे कि आप इस तरह लिखते हो 763.91, अक्सर स्टूडेंट इसको इस तरह लिखते हैं। इस तरह आप तो ऐड कर लेंगे इसको, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन सबको आप ऐड कर लेंगे, आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन वो आंसर होगा गलत। ये मिस्टेक काफी स्टूडेंट्स करते हैं। अब शायद आप ये समझ रहे कि ये तो प्लस करना है, माइनस करना है, ये तो बहुत इजी है, लेकिन टेस्ट के दौरान प्रेशर होता है। मैं वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस को डेसिमल नंबर्स में, चाहे आप उसको ऐड कर रहे हो, चाहे आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने ये देखना है कि जो पॉइंट्स वाले नंबर है 78.09 और सेकंड ये नंबर है, इसको आपने इस तरतीब से लिखना है कि ये जो पॉइंट है ये एक लाइन में ही आ जाए, एक लाइन अप में हो। तो आप इसको पॉइंट को एक लाइन में लाने के लिए आप इसको इस तरह लिखते हो 19.367। आपने इसको इस तरतीब से लिखना होगा कि आपके पास जो पॉइंट्स हो वो बिल्कुल एक ही लाइन में शो हो। तो आप इसको पॉइंट्स को एक लाइन में ही लिखेंगे। इस स्टेप के बाद आप वही एडिशन करेंगे जो बेसिक एडिशन, बेसिक सम करना, ऐड करना, प्लस करना आप शुरू से करते आ रहे हो। इसके बाद वही क्वेश्चन है।
अब जैसे कि 7 है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, 9 और 6 को आप ऐड करते हो तो 15, 5 यहाँ आता है, 1 यहाँ कैरी, फिर 1 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 4। अब देखिए पॉइंट एक लाइन में है, जब पॉइंट एक लाइन में हो आप उसी पॉइंट में उसी लाइन में पॉइंट ही ड्रॉ करेंगे। फिर इसी तरह 7, 8 और 9 को आप ऐड करेंगे जो आपके पास आता है 17, आप 17 यहाँ लगाते हैं, 1 यहाँ लगाते हैं, बेसिक एडिशन है। इसके बाद आप इन सब को आप ऐड करते हो 7, 8, 9, तो ये हो जाएगा 9। तो ये आंसर क्या है, 97.457। सो बेसिक एडिशन इसी तरह ही होता है। इसी तरह देखते हैं एक और मेथड, एक नेक्स्ट। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 0.216 प्लस 9.3 प्लस 72.0, अब इनको आपने ऐड करना है। सो एक स्टेप सिर्फ आपने याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि आपने पॉइंट को एक लाइन में ही लिखना होगा। वो एक लाइन आपके पास किस तरह होगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी आपने देखना है। जैसे कि 0.216, अब इस टर्म की बारी है तो आप इसको इस तरतीब से लिखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। फिर आप इस टर्म को लिखेंगे तो आपने किस तरह लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना होगा। इनके बाद आप इसको ऐड करते हो तो बेसिक एडिशन है। अब जैसे कि आप 6 को ऐड करते हो तो एज इट इज 6, फिर 1 एज इट इज 1, फिर आपने 2 और 3 को लिखना होगा, ये हो जाएगा 5। अब देखिए पॉइंट एक लाइन में है तो आप पॉइंट जब एक लाइन में हो तो आप इसको उसी तरतीब से पॉइंट लिखेंगे। अब 9 और 2 को आप ऐड करते हो तो 11 आता है, 1 यहाँ पर, 1 कैरी चला जाता है। फिर आप 7 और 1 को ऐड करते हो तो 8 आता है, तो 81.516 हमारे पास आंसर आता है। तो अगर कोई भी डेसिमल नंबर हो उसको आप ऐड करना है तो उसका एडिशन किस तरह होगा, वो इसी तरह होगा। ये वो पॉइंट्स है जो न्यूमेरिकल्स के एंड में जाकर विदाउट कैलकुलेटर आपने यूज करने होंगे। अब इसमें काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ नहीं आप कहोगे कि सर हमें तो प्लस आता है माइनस आता है, इसमें काफी चीजें हैं। अब जैसे कि इसमें हम साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे, इसमें हम प्रीफिक्सेस देखेंगे, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, इसमें हम एंगल्स देखेंगे, इसमें हम पावर रूल्स देखेंगे, स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, इस तरह काफी चीजें हैं। तो ये आपने एक साइड पे चलो थ्योरी पे ही पढ़ा होगा, वो काफी बेहतर है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल्स में आते हो, आप उस एमसीक्यूज या क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो वो काफी चेंज होता है, वो जो ट्रिक्स है वो स्किल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी तरह हमारे पास इस न्यूमेरिकल स्किल्स में डेसिमल नंबर्स में हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। अब ये था एडिशन, इसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस तरह होता है, वो बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में जो मेरा मकसद बताने का वो पॉइंट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, बेशक आपको आता हो बहुत अच्छी बात है। अब जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है, सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है 4, 2, 6 - 7.2, अब ये कोई भी क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो टेस्ट के दौरान, कोई एमसीक्यूज, तो आपको एंड में ये आंसर मिला है, अब कैलकुलेटर है नहीं तो आप इसको किस तरह करेंगे। तो इसका जो इजी मेथड है करने का वो ये है आपके पास कि सबसे पहले आप इसको लाइन में लिखते हो। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ, पहले स्टूडेंट्स लिखते हैं 4, 2, 6, फिर आप लिखते हो 7.2। अब देखिए इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट मौजूद है, तो आप ये पॉइंट कहाँ पर ड्रा करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इसको इस तरतीब से लिखेंगे जैसे हम मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं कि आपने लेफ्ट साइड से तरतीब से वो नंबर लिखना होगा, तो अक्सर स्टूडेंट उसको इस तरह लिखते हैं 7, 2.7। अब इसको आप चलो सब्जेक्ट तो कर लेंगे, फिर एंड में आप पॉइंट कैसे लगाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जब इसको आप सब्जेक्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, आपको ऐसा आंसर मिलेगा जो आपके पास सामने चार ऑप्शंस होंगे टेस्ट के दौरान वो उसमें मौजूद ही नहीं होंगे, तो ये मेथड आपने नहीं करना जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। सब्ट्रैक्शन में एक ये मेथड है, एक कमिंग क्वेश्चन में एक अलग सा मेथड मैंने बताना है। इस क्वेश्चन में जब आप लिखते हो जैसे कि 4, 2, 6, अब ये जैसे कि
नंबर है जिसमें पॉइंट ना हो, उस पॉइंट उस नंबर में आपने एंड में खुद से पॉइंट जीरो लगाना होगा। पॉइंट जब भी आप लिखते हो ड्रा करते हो उसका मतलब है उसके साथ जीरो होता है, हम लिखे या ना लिखे। अब देखिए ये पॉइंट जीरो तो आ गया, अब ये इजी है, अब आप इसको आसानी से आप समझ गए कि पॉइंट है, तो अब इसको बिल्कुल उसी एडिशन की तरह आपने पॉइंट के साथ सेकेंड नंबर को आप किस तरह लिखेंगे 7.2। इस तरतीब से हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं एडिशन में कि हम पॉइंट के साथ पॉइंट ही हमने ड्रा करना होगा। हमने ये तरतीब से इन दो टर्म्स को या तीन टर्म्स चार टर्म्स को एक ही पॉइंट में लाइनअप करना होगा। अब इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस करना बिल्कुल वही बेसिक सब्ट्रैक्शन है जो आप शुरू से करते आ रहे हो। अब जीरो को हम टू से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या लेते हैं यहां से वन कैरी लेते हैं। जब हम वन कैरी लेते हैं तो ये बना टेन, फिर टेन में से जब हम टू माइनस करते हैं हमारे पास बच जाता है एट। अब देखिए पॉइंट एक तरतीब में है तो हम उसी तरह पॉइंट ही लिखेंगे, इससे आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। इसके बाद है सिक्स, अब ये एक कैरी आप ले चुके हो, अब ये सिक्स सिक्स नहीं रहा, अब ये रहा फाइव। क्या फाइव जो है सेवन से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं, तो आप इस टू से एक कैरी लेंगे, जब आप एक कैरी लेंगे ये बन जाएगा 15, अब ये फाइव नहीं रहा, अब ये है आपके पास 15, तो अब आपने 15 में से क्या माइनस करना है, सेवन माइनस करना है, 15 में से सेवन आप निकालेंगे तो बचेगा एट। टू में से आप वन कैरी ऑलरेडी ले चुके हो तो अब ये टू नहीं रहा, अब ये होगा आपके पास वन, तो वन को आप एज इट इज लिखेंगे। ये फोर है उस फोर को आप एज इट इज लिखेंगे, तो 418.8 आपके पास क्या होगा इसका आंसर होगा। तो सब्ट्रैक्शन इस तरह करेंगे डेसिमल नंबर्स का, आपके जब भी एमसीक्यूज कोई टेस्ट वगैरह हो तो आपने इसको इस तरतीब से करना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन डेसिमल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी चेंज है कि जब इस तरह के आंसर्स आपको मिलते हैं MCQs के दौरान तो आप लास्ट स्टेप नहीं ले पाते हो जो चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है 5.9 माइनस 4.166, अगर आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन है 5.9 4.16, पहला स्टेप मैंने बताना है कि जब स्टूडेंट्स करते हैं तो वो क्या मिस्टेक करते हैं, पहले मैंने वो बताना है आपको। स्टूडेंट्स जब करते हैं तो ये वो समझते हैं कि ये बेसिक सब्ट्रैक्शन है, तो आप लिखते हो 5.9। फिर दूसरा स्टेप आप कहते हो कि जी सर ने बताया था कि पॉइंट को एक लाइन में लिखना है, आप बिल्कुल पॉइंट को एक लाइन में लिख ले 4.166, आपने पॉइंट को बिल्कुल एक ही लाइन में लिखा है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को जब आप एक लाइन में लिखते हो इस पॉइंट के बाद, अब एड सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, अब देखिए सिक्स के साथ कुछ नहीं है, सिक्स के साथ कुछ नहीं है, सिक्स नाइन से आप वन निकालते हो तो एट, पॉइंट आपने एज इट इज ही लिखना होगा। फाइव से आप फोर निकालते हो तो वन, तो आंसर क्या बच जाता है 1.866। ये आपके पास आप कहेंगे करेक्ट आंसर है, आपने बिल्कुल सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग आंसर है, आपने इस मेथड से सब्ट्रैक्शन नहीं करना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है, इन केस अगर जूम ऑफ हो गया मेरा तो मेरा शायद लिमिट टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड है इस आईडी में, अगर इन पहले तो बंद नहीं होगा, अगर इन केस मेरा जूम क्लोज हो गया तो आपने फौरन दोबारा रिक्वेस्ट भेजना है। अब ये क्वेश्चन है मैंने दोबारा लिखा है, तो इसका जो सही मेथड है सॉल्व करने का वो क्या है, वो मेथड ये है कि इस नंबर को आपने सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के लिए आप इस सिक्स के ऊपर जीरो, इस सिक्स के ऊपर जीरो यूज करेंगे। ये वो मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, आपने जीरो ऐड करना होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इन जीरो के बाद अब तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, आपने जीरो से हम सिक्स माइनस कर सकते हैं, नहीं, तो हम क्या करेंगे नाइन से वन कैरी लेंगे, अब ये हुआ टेन, फिर जब टेन से आप सिक्स माइनस करते हैं तो बचा फोर। इस जीरो से आप सिक्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं, तो आप क्या करेंगे अगेन इस
से आप एक कैरी लेंगे, ये बना 10। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, अब ये हुआ 10, 10 से फिर आप 6 माइनस करेंगे 4, लेकिन ये गलत है, आपने इस तरह नहीं करना। जब एक कैरी आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो स्टार्ट में, इस 10 में ऑलरेडी आप कैरी यूज कर चुके हो, फिर जब यहां से आप कैरी लोगे फिर उसको आपने 10 काउंट नहीं करना, क्योंकि आप एक नंबर ऑलरेडी यहां पर यूज कर चुके हो, फिर ये 10 नहीं रहा, फिर आपने एक कम करके लिखना है, ये हुआ होगा 9। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करना कि ये 9 होगा, इसको आपने 10 नहीं लेना जब आप सेकेंड टाइम दे इसको आप करेंगे, क्योंकि एक यूज हो चुका है। अब 9 से आप इस 6 को माइनस करेंगे, तो ये 9 से 6 निकालना 3। अब ये जो 9 है आप कहेंगे कि दो बार मैंने कैरी लिया है, तो ये बना 7, लेकिन आपने इसको इस तरह नहीं करना। एक बार आपने कैरी यूज किया है, दो बार यूज किया है, ये एक नंबर ही इससे कट जाएगा। अगर 9 है उसको आपने 8 करना है, 7 नहीं करना, तो ये बनेगा 8। 8 से फिर जब आप 1 को माइनस करेंगे वो होगा 7। अब देखिए पॉइंट को मैंने एक लाइन में लिखा है, तो पॉइंट को आपने एक लाइन में ही लिखना होगा। 5 से आप 4 निकालेंगे तो 1, तो आंसर आएगा 1.734। अब ये आपके पास क्या है, ये करेक्ट आंसर है, आप बेशक इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, ये आपके पास क्या है, रॉन्ग आंसर। तो आपने ये मेथड नहीं करना, इस मेथड से करना होगा। इस मेथड को करके भी मैंने इस मेथड में आपको 2 से 3 ऐसे पॉइंट्स बताए जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, सो होप सो आपने ये गेन किया होगा। तो ये रहा हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। दोबारा मैं आता हूं।